बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आज आपने महामारी संशोधन विधेयक 2020 पर 2020 पर बोलने का मुझे मौका दिया। माननीय अध्यक्ष जी, कल 193 में जब कोरोना महामारी पर विस्तार से चर्चा हुई, 4.5 घंटे तक चर्चा हुई और सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों बातें रखी, लेकिन आज जो विषय है वो केवल विषय ये है कि हम महामारी से निवृत्त पाने के लिए अपने कानून में किस तरह की व्यवस्थाएं करें ताकि आने वाले समयों में महामारी हमारे देश में आए तो उसके बारे में हम पहले से सतर्क रहें। वैश्विक महामारी का प्रभाव भारत के जनमानस में भय तो पैदा कर ही रहा है, लेकिन देश के नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से भले ही ताली बजाई, दीपक जलाया, देश को एकजुट बांधने में जो भूमिका अदा की, उसका परिणाम है कि आज हम बहुत सुरक्षित हैं। और वैसे मैं एक ही बात कहूंगी आपके माध्यम से कि ऐसे समय में हमको आज कोई कठोर कानून सावधानियों का बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं मानती हूं कि पहला सुख निरोगी काया, जब पहला सुख निरोगी काया है तो उसके लिए सरकार को समुचित व्यवस्था करने में इस कानून में अभी प्रावधान करना चाहिए। और ये सही बात है कि यदि हमारी आशा सहयोगिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, वो डॉक्टर से भी ज्यादा मेहनत उन्होंने की, गांवों में अवेयरनेस की, जागरूकता पैदा करने में उन्होंने काम किया और एक पांव पर खड़ी रहकर उन्होंने काम किया, लेकिन वो बहुत अल्प वेतन भोगी हैं। कहीं ना कहीं इस कानून के माध्यम से हम उनको भी संरक्षण दें। और माननीय अध्यक्ष जी, ये सही बात है कि मंत्री गुरु अरु वैद्य जो प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तन तीन का हो ही बे गई नास। यहाँ मीठा बोलना या कड़वा बोलना, ये पक्ष और विपक्ष के अंदर दोनों बातें चली, लेकिन इस विधेयक के अंदर यदि हम कठोर से कठोर व्यवस्थाएं करें और आने वाले समयों में पिछली महामारी को याद रखते हुए सावधानियां बरतने का प्रावधान रखें तो निस्संदेह हम अपने देश को स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित रख पाएंगे। इस महामारी ने एक पहचान दी है कि हमारे सामाजिक संगठनों ने भी इसमें काम किया है, डॉक्टर्स ने किया, पुलिस ने किया, सहायक कर्मचारियों ने किया, हेल्थ वर्कर्स ने किया, सफाई कर्मचारियों ने किया, उनकी तो हम सराहना करने में कोई पीछे नहीं है, हमने खूब सम्मान किया अपने अपने क्षेत्रों में इनका। लेकिन इसके साथ साथ हमको ये भी देखना पड़ेगा कि जो सामाजिक संगठन अपने धन खर्च करके अपने बलबूते पर मेरे संसदीय क्षेत्र में दौसा रसोई संस्थान के नाम से 200 लड़कों ने, नौजवानों ने, माता बहनों ने जिस तरह से काम किया, कहीं ना कहीं उन सामाजिक संगठनों को भी याद करना पड़ेगा। और इस सामाजिक संगठनों की भूमिका हमारे देश में सहयोग और सहायता के लिए सबसे आगे आती है। माननीय अध्यक्ष जी, कहीं ना कहीं इस कानून में हमारे सामाजिक सरोकारों से रखने वाले लोगों को भी याद रखना पड़ेगा। धन्यवाद। धन्यवाद।